जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं CPL 2019 का मैच नंबर 5 ट्रिबैगो नाइट राइडर्स वर्सेस एसटीयूसीएल सॉक्स के दरमियान जो कि खेला गया, जिसके जो हीरो रहे लैंडन सेवन मेक्स 63 रन टुडे वर्सेस एसटीयूसीएल सॉक्स मैच नंबर 5 CPL 2019। जी हाँ दोस्तों, लैंडन सेवन जो थे वो ज़बरदस्त किस्म के हीरो साबित हुए और उन्होंने किस तरीके से बैटिंग करी और इतना इजी जो है ट्रिबैगो नाइट राइडर्स के लिए बना दिया मैच कि उनको जीतने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ही नहीं हुआ। यहां तक कि इस मैच के अंदर में मोहम्मद हसनैन भी खेल रहे थे और उनकी फास्टेस्ट बॉल भी जो है करवाई गई, उन्होंने कितने माइलेज पर आवर की बॉल कराई गई वो सब भी आपको इसी वीडियो में मिलने बताने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने देखना है। चैनल के ऊपर पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स जर्नी की लेटेस्ट वीडियोस को हासिल कर सके। दोस्तों अगर आप मोहम्मद हसनैन के या ट्रिबैगो नाइट राइडर्स यानी पोलार्ड की टीम के अगर फैन है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप डेरिक सेवी के अगर फैन है तो उनके हवाले से एक प्यारा सा कमेंट आपने जरूर देना है, क्योंकि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मगर कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो दोस्तों तफसील से बात करते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एसटीयूसीएल सॉक्स वर्सेस ट्रिबैगो नाइट राइडर्स का मैच नंबर 5 आज खेला गया और उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया डेरिक सेवी ने, और अच्छा फैसला था, अच्छा स्कोर भी टोटल जो है बोर्ड पे लगाया। एंड्री फ्लेचर की अगर बात करें तो 26 रन बनाए, कॉन बॉल की अगर बात करें 33 रन बनाए, कैंपल की अगर बात करें 43 रन उन्होंने बनाए, नजीब उल्ला सरदार 26 रन उन्होंने बनाए, टेरेंस सेवी की अगर बात करें तो 16 रन ही सिर्फ स्कोर कर पाए 167 के ऊपर 520 ओवर्स के अंदर। एसटीयूसीएल सॉक्स का स्कोर रहा। अब बात करते हैं मोहम्मद हसनैन की फास्टेस्ट बॉलिंग के बारे में, तो मोहम्मद हसनैन फास्टेस्ट बॉलिंग CPL 2019 के इस मैच के अंदर 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने बॉल करी, थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए मगर ज़बरदस्त किस्म की फास्टेस्ट बॉल करके उन्होंने दिखाई जो कि आज तक किसी भी यंगस्टर ने नहीं कर पाए। तो दोस्तों 4 ओवर उन्होंने करवाए, 35 रन उन्होंने दे दिए लेकिन एक खिलाड़ी को आउट करने में वो कामयाब रहे। तो दोस्तों अगर बात करें ट्रिबैगो नाइट राइडर्स की, जो कि मैच के हीरो थे लैंडन सेवन्स, उन्होंने क्या किया, 63 रन स्कोर किए जस्ट 39 बॉल्स के ऊपर में, जिसमें 5-4-5-6-161 का स्ट्राइक रेट, जिसको जिस चीज़ की जो ट्रिबैगो नाइट राइडर्स को स्टार्ट की ज़रूरत थी वो स्टार्ट फराहम किया और ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने तकरीबन आधे से ज़्यादा मैच जो है खुद ही फिनिश कर लिया। फिर उसके बाद अगर बात करें दिनेश रामदीन की, तो उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 50 रन स्कोर करे और लास्ट में जो आए कैरन पोलार्ड जो कि फिनिश लाइन जो है उन्होंने क्रॉस करी, 26 रन उन्होंने बना के अपनी टीम को रहा पता की तरफ लेके गए, 168 रन उन्होंने बना लिए जस्ट 17.5 ओवर्स में, यानी ढाई ओवर जो है बाकी थे लेकिन मैच खत्म हो गया था। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करें तो लैंडन सेवन्स, जी हाँ ऑफकोर्स वही इस मैच को जिताने में अहम किरदार अदा किया और वही प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो दोस्तों ये सूरत हाल थी मैच नंबर 5 की, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैच नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो के हवाले से कमेंट भी आपने जरूर करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।